नहीं बोलो हेलो सर हाँ जी कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बताया जा रहा है और मैं यहाँ से तीन चार किलोमीटर एक, एक ही एक ही श्वास पर दौड़ सकता हूँ हाँ जी फिर भी हृदय में हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे श्वास ऐसा चढ़ता है कि मुझे बैठ जाना पड़े फिर भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है और मेरे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोला कि आपको फाइ मिली जो टैब है वो लेनी पड़ेगी जो कि मैं नहीं ले रहा हूँ <laughs> तो क्या फ़र्क रहता है कोलेस्ट्रॉल होने में और नहीं होने में और मैं दौड़ता हूँ तो नहीं दुखने में देखिए हम सब अलग हैं तो हर आदमी यहाँ उसका अलग बॉडी वेट है उसका अलग ब्लड प्रेशर है एक्सेट्रा मेडिसिन क्या करती है वो एक वैल्यू कह देती है कि अगर आप इसके हाई हो इससे ज़्यादा हो तो आपका हाई है और वो भी बदल देते हैं हर दो साल के बाद के का तो मेरे लिए हाई कोलेस्ट्रोल की एक ही डेफिनेशन है क्योंकि बाकी सारी डेफिनेशंस जो हैं वो तो बदल जाती हैं वो तो आदमी की डेफिनेशन हैं वो कह देते हैं ये नंबर है ये नंबर है मेरे लिए एक ही डेफिनेशन है हाई कोलेस्ट्रोल की वो कोलेस्ट्रोल जो आपको हार्म कर रहा है अगर वो कोलेस्ट्रॉल आपको हार्म नहीं कर रहा तो वो आपके लिए हाई नहीं है वाह वेरी नाइस तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कह रहे हैं कि फाई 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 आपको लेना पड़ेगा देखो सबकी बॉडी अलग होती है आपको कोलेस्ट्रॉल है वो देखने में आता है लेकिन इनकी डिफिनेशन ये नहीं है आपको जो तकलीफ नहीं होती है तुम्हारे लिए नहीं है फिर भी, 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 भी नहीं है <laughs> जहाँ तक मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आजकल क्या होता है कि जैसे अगर आप देखिए अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट कहीं हो रही हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि हेलमेट पहनो क्योंकि अगर वो कुछ गिर जाए तो आपके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं say, 25 परसेंट कम हो गए सेफ्टी के लिए ठीक है? है ना आप अगर ये सोचें कि अब हम यहां जहां बैठे हैं और ये रूफ का लैप्स हो गए और हमने सबने हेलमेट पहना हो तो 25 परसेंट हमारा फिर भी रिस्क कम हो गया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब अब हेलमेट पहन के बैठ जाए क्योंकि यहाँ रूफ टूटने के बहुत कम चांसेस हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो जिसको हार्ट अटैक हो चुका है उसका मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है उसका हार्ट अटैक हो चुका है उसके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका ठीक हो तो फिर मुझे तो नहीं समझ आती कि क्यों आपको दें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कभी पता भी नहीं लगेगा उस दवाई लेने से आपको क्या फ़र्क पड़ा Hmm. मैं नहीं ले रहा हूँ अच्छा आप अच्छा कर रहे हो